सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वेट लॉस यानी कि फैट लॉस के बारे में और जानेंगे कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी वेट लॉस जर्नी को इजी और हेल्दी बना सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत तरह की फैंसी डाइट्स और ऐसे प्रोग्राम आ गए हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि उनको फॉलो करने से आप ड्रास्टिकली और बहुत ही कम समय में वेट लॉस कर पाओगे। बट आप सभी लोगों को ये समझना जरूरी है कि वो एक बहुत ही टेम्परेरी और अनहेल्दी तरीका है वेट लॉस करने का। आप में से जितने लोग फैट लॉस को लेकर सीरियस हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि लाइफस्टाइल चेंजेस एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे कि आप हेल्दी वे से और लॉन्ग टर्म में अपना वेट लॉस गोल अचीव कर पाओगे। आइए अब जानते हैं 6 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा स्पेशली फॉर फैट लॉस। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज लिफ्ट वेट। मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि आप सभी का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका लीन मसल मास तो बढ़ता ही है, साथ में आपको इपॉक बेनिफिट भी होता है। इपॉक बेनिफिट का मतलब है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है। मींस आपकी बॉडी जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हो तब भी कैलोरी बर्न करती रहती है। और ये तो सिंपल है, आप सभी लोगों को पता है कि फैट लॉस करने के लिए कैलोरी इंटेक कम करना पड़ता है और कैलोरी बर्न ज्यादा, यानी कि फैट लॉस करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि 4 हफ्ते तक लगातार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करने से आपका विजरल फैट कम हो जाता है। विजरल फैट मींस जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड फैट डिपॉजिट होता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब आप मेल हो या फीमेल, आपको वेट लॉस के दौरान डेली बेसिस में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को जरूर परफॉर्म करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करने से आप वेट लॉस यानी कि फैट लॉस तो करोगे ही, साथ में आपके जॉइंट्स भी हेल्दी रहेंगे। सेकंड पॉइंट इज स्टॉप क्रैश डाइट। मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं कि भैया हम बहुत ही कम खाते हैं फिर भी हमारा वेट लॉस क्यों नहीं होता। आजकल बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख के वेट लॉस के नाम पे क्रैश डाइट फॉलो करने लग जाते हैं, यानी वो जरूरत से ज्यादा कम खाते हैं और बहुत ही लो कैलोरी पे चले जाते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक है। साथ में आप सभी लोग ये समझो कि कम खाना डजंट मीन कि आप फैट लॉस कर रहे हो। हर इंसान की प्रतिदिन की एक बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, फीमेल्स की 1600 से 2000 और मेल्स की 2000 से 2500, बट ये वेरी कर सकती है आपकी एज, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी टाइप एक्सेट्रा। अब अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो किसी भी सूरत में आप प्रतिदिन 500 से ज्यादा कैलोरी डेफिशिएट पे नहीं जाएंगे। इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पहले 250 कैलोरी डेफिशिएट पे जाना चाहिए एंड देन ग्रेजुअली आप 500 कैलोरी डेफिशिएट पे जा सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि लोग वेट लॉस के नाम पे 1000 से भी कम कैलोरी खाते हैं प्रतिदिन, उससे आपका फैट लॉस तो नहीं होगा, इवन आपको बहुत सारे हेल्थ रिस्क जरूर हो जाएंगे। एक्सट्रीम कैलोरी डेफिशिएट पे जाने से आपकी ब्रेन फंक्शनिंग पे फर्क पड़ता है, आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है और आपको पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग खराब होने लगती है और यहां तक कि आप पूरे दिन भर थकान फील करते हो। अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपना बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे की निकाल लो, उसमें से 500 कैलोरी डेफिशिएट कर लो। अब जो कैलोरी बची आपकी उसको आप पूरे दिन भर में डिवाइडेड डोजेस में खाएं, यानी कि हर 2 से 3 घंटे बाद स्मॉल स्मॉल मील करते रहें, जिससे कि आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा और आपको पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलेगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग बेटर हो जाएगी और आप फैट लॉस इजीली कर पाओगे। वेट लॉस करने वालों को मेरा सजेशन बस ये रहेगा कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, प्रतिदिन कितनी कैलोरी, कार्ब से कितनी आएगी, प्रोटीन से कितनी आएगी, फैट से कितनी आएगी, ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। बट एक बात का ध्यान रखें कि फैट लॉस करते टाइम आप डेयरी प्रोडक्ट का सेवन कम से कम करें। इसके साथ साथ आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो कपिवा के गेट स्लिम जूस के साथ। ये 12 आयुर्वेदिक हर्ब से बना है जैसे कि आंवला, गिलोय, हरड़ एक्सेट्रा। ये हर्ब्स आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं
और आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ ये आपके वेट मैनेजमेंट में आपको मदद करेंगी। ये जूस आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, शुगर और हंगर क्रेविंग को रोकेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करेगा और फैट एक्युमुलेशन को कम करेगा, और इन सब की वजह से आपको वेट मैनेजमेंट गोल में हेल्प मिलेगी। ये पूरी तरीके से नेचुरल है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर और स्वीटनेस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कंज्यूम करने के लिए 30 ml गेट स्लिम जूस को आप 250 ml पानी में डाइल्यूट करके मील से पहले दिन में 2 बार कंज्यूम कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, जिससे कि आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। तो जो लोग एक नेचुरल और हेल्दी सॉल्यूशन चाहते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए, वो कपिवा का गेट स्लिम जूस ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके प्रोडक्ट चेक करें। अब यहीं से आता है हमारा थर्ड पॉइंट, फॉलो हाई प्रोटीन डाइट। अब हाई प्रोटीन डजंट मीन कि मैं आपको पूरे दिन भर सिर्फ प्रोटीन खाने के लिए बोल रहा हूँ। बेसिक रिक्वायरमेंट है 0.8 to 1 gram पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। अब जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनको थोड़ा ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, यानी कि वो 1.2 to 1.5 gram पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे प्रोटीन खा सकते हैं। अगर आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाते हो तो वो ये इंश्योर करता है कि वेट लॉस जर्नी के दौरान आपका लीन मसल टिश्यू प्रिजर्व रहे, और लीन मसल टिश्यू इज योर एसेट। और बहुत सारी स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपको ओबेसिटी और एक्सेस बॉडी फैट का खतरा कम हो जाता है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके दिन की शुरुआत हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट से होनी चाहिए, जो कि आपको बहुत लंबे समय तक फुल भी रखेगा। बहुत सारे अच्छे सोर्सेस हैं जिनको आप अपनी डाइट में प्रोटीन के लिए शामिल कर सकते हो, लाइक फिश, चिकन, एग, सोया, पल्सेस एक्सेट्रा। बट जो लोग बिजी रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और नेचुरल डाइट से प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पाते, तो एडिंग वे प्रोटीन इन योर डाइट इज एन गुड ऑप्शन। बट फॉर श्योर फैट लॉस करने के लिए पूरे दिन भर में जितनी भी आप कैलोरी खाते हो उसका 35 से 40% प्रोटीन से आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जिस पे मैं आपका ध्यान डालना चाहूंगा वो है एडिंग कार्डियो इन योर डेली रूटीन। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। जो लोग 40 साल से कम हैं वो 30 मिनट और जो लोग 40 साल से ऊपर हैं वो 45 मिनट प्रतिदिन हफ्ते में 4 से 5 सेशन कार्डियो के जरूर परफॉर्म करें। अब कार्डियो का ये मतलब नहीं है कि ट्रेडमिल पे तेज तेज भागते रहना या फिर हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग करना। इनफैक्ट अगर आप एक्चुअल फैट बर्न करना चाहते हो तो आपको मॉडरेट पेस कार्डियो करना चाहिए। मॉडरेट पेस कार्डियो मींस 30 से 40 मिनट कॉन्स्टेंटली आपको टारगेट हार्ट रेट को मेंटेन रखना है, और टारगेट हार्ट रेट मींस 65 to 75% ऑफ योर मैक्स हार्ट रेट। मेरा पर्सनल सजेशन है जो लोग फैट लॉस को लेके सीरियस है वो सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो करें, क्योंकि उस दौरान आपका एनर्जी पूल लोएस्ट होता है और सेशन के दौरान जितनी भी एनर्जी आप खर्च करते हो उसमें से मैक्सिमम एनर्जी जो है फैट से आती है, जिससे कि आपको वजन घटाने में मदद मिलती है। और अगर आप कार्डियो को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे तो फैट लॉस के साथ साथ आपका हार्ट भी हेल्दी बना रहेगा। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एडिंग गुड फैट इन योर डाइट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फैट कम करने के लिए फैट खाना पड़ेगा, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेल्दी फैट्स की, मींस ओमेगा 3। गुड फैट्स आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के साथ साथ आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं, और कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं लाइक ए, के, डी, ई, जो कि आपकी बॉडी में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब तभी होते हैं जब आपकी बॉडी में गुड फैट पर्याप्त मात्रा में हो। तो कहीं ना कहीं गुड फैट को अपनी डेली डाइट में शामिल करने से आपकी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग बहुत बेहतर हो जाती है और आपको वजन घटाने में मदद मिलती है। एक और बात, आपको ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं खाना, इससे आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन तो बढ़ता ही है। इनफैक्ट बेली एरिया के अराउंड जो आप फैट डिपॉजिट करते हो, ट्रांस फैट एक उसका बहुत बड़ा रीजन है, और ट्रांस फैट होता है पैक्ड और प्रोसेस फूड में। बट यस, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो पूरे दिन भर में जितनी भी आप कैलोरी खाते हो उसका 15 से 20% गुड फैट से आना चाहिए, और गुड फैट के बेस्ट सोर्स है फिश ऑयल, फ्लेक्सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स एक्सेट्रा। सिक्स्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इनफ स्लीप। आप सभी लोगों को पता ही है कि
हेल्दी रहने के लिए रात को 6-8 घंटे सोना अनिवार्य है। कम सोने से आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका हंगर हार्मोन बढ़ जाता है जो कि होता है ग्रेलिन, जिसकी वजह से आप अननेसेसरी ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और सेम टाइम आपका स्ट्रेस हार्मोन जो कि होता है कॉर्टिसोल वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है और आपकी बॉडी में किसी भी एक्टिविटी के रिजल्ट नहीं आते। एक स्टडी में भी ऐसा पाया गया कि जो लोग कम सोते हैं उनके बेली एरिया के अराउंड फैट ज्यादा डिपॉजिट होता है। इनफैक्ट कम सोने की वजह से आपका IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आप ओवरऑल बॉडी फैट गेन करने लग जाते हैं। तो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुली अचीव करना चाहते हो तो रात को 6-8 घंटे गुड स्लीप जरूर लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छी नींद के लिए लेट इवनिंग कैफीन का इस्तेमाल ना करें और सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कम से कम इस्तेमाल करें। इन 6 पॉइंट्स के साथ साथ कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको वेट लॉस के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम रखें, जिसके लिए आप योगा और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अपनी डाइट में कार्ब्स के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब का चयन करें, लाइक ओट्स, किनवा एक्सेट्रा। शुगरी ड्रिंक्स और पैक बेवरेजेस का इस्तेमाल ना करें, उनकी जगह आप हेल्दी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लाइक ग्रीन टी, वेजिटेबल जूस एक्सेट्रा। एड मोर फाइबर इन योर डेली डाइट लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। स्टॉप कंज्यूमिंग एल्कोहल, क्योंकि वो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने वजन बढ़ने का कारण जानने की कोशिश करें। अगर कोई भी अंडरलाइन डिजीज की वजह से ऐसा हो रहा है तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लें, बट अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा है तो आप इन 6 टिप्स की मदद से अपना वजन घटा सकते हैं। और ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वी आर बैक विद द ट्यूटोरियल वीडियोस, वीडियोस आती रहेंगी। इसी तरह आप चैनल को प्यार करो, वीडियोस को लाइक करो, मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।